गाइस हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में एंड दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप टू कैलिंगपोंग, मतलब इसका हमारा साथ में. मैं एक बार आई थी स्कूल टाइम पे, तो मेरा फेस पर डर लग रहा है, मेरा भी लग रहा है यार ट्रैवलिंग उसकी वजह से. सो आई विल शो यू द व्यू फर्स्ट. यहाँ का ये रहा हमारा जो रूम से व्यू है, ये काफी सुंदर है. डाउन करिए तो हिल्स भी दिखेगा. यस, यहाँ पे एक्चुअली वेट ये हिल्स दिखने लग गया. ओके एंड बोला गया है कि सन साइन बहुत अच्छा दिखता है. यस, तो सुबह हम आपको दिखाएंगे. एंड यहाँ पे जो है ये सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इधर. अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ. सो रूम्स वगैरह कुछ देर बाद में दिखाएंगे. ओके फाइन, तो रूम्स बाद में दिखाते. अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होंगे एंड देन विल डू लंच. थोड़ा मुंह इतना गंदा जो हाल होके रखा है इसको थोड़ा ठीक करेंगे एंड देन विल गो एंड हैव लंच. हमने इनको पहले बताया नहीं था कि हम लंच करके आएंगे, सो दे नीड टाइम टू प्रिपेयर. तो तब तक हम फ्रेश हो रहे थे. सो या फ्रेश, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने की तरफ क्योंकि भूख लगी है. नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं लगी है, वो गाड़ी में बैठ के आने से ना थोड़ा वैसा हो गया, तो पेट रिदम उसी का वैसा जाता है ना, डाइजेशन नहीं हुआ होगा. मेरा तो डाइजेशन हो चुका है कि हम बहुत लाइट खाना खाए थे ब्रेकफास्ट में भी. या चलते हैं कुछ खाते हैं देन आपको दिखाते हैं. ये रहा, पहले हम सूप पिएंगे. थोड़ा सा गर्म Like, वेदर तो हल्का ठंडा ही है, बट बहुत अच्छा नहीं है. गाइस सूप के बाद हमें यहाँ पे फ्राइड राइस भी सर्व किया गया, तो हमने सूप के साथ ये बड़ा ही टेस्टी सा फ्राइड राइस खाया. लंच के बाद हम निकल पड़े थे ट्रैकिंग के लिए और थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए व्यू देखने के लिए. तो हमें कार में ले जाया गया एंड व्यू पॉइंट तक. हम आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करके लाया जाएगा एंड दिस इज गोमसी रेस्ट्रो. यहाँ पे ला के यू कैन कॉमसी रेस्ट्रो. यहाँ से काफी सुंदर पिकॉक का आवाज आ रहा है, व्यू है. यहाँ यू कैन ड्रिंक देयर लोकल ड्रिंक. यहाँ यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट और यहाँ पे यू कैन हैव हुक्का एंड एवरीथिंग इज हियर. चलिए व्यू आपको दिखा देते हैं. यहाँ से आपको हम लोग व्यू दिखाते हैं. ये यहाँ पे लिटिल व्यू आप ग्लिम्स देख लो, इट्स वेरी प्रीटी, काफी शांत. रेस्ट्रो के बाद हम निकल पड़े थे वापस होम स्टे के तरफ क्योंकि शाम होता जा रहा था. गाइस अभी यहाँ पे शाम हो गई एंड ये यहाँ पे टोफू निकाल रहे हैं एंड हियर ही इज. एंड अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वाइन पियेंगे, ज़्यादा नहीं. एंड काफ़ी सुंदर सा रात है, यहाँ पे मून का परफेक्ट व्यू दिख रहा है. एंड अब बहुत सारा रैंडम व्लॉग हो रहा है एक्चुअली, तो हम लोग एक बार में कट 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 करके इसको एडिट करके डालेंगे. सो या अभी शाम का यही सीन चल रहा है. अभी क्या टाइम हो रहा है? इट्स 6:30 आई गेस. 5:30 हो रहा है. तो वेट टाइम तो पता नहीं, वेट लेट मी चेक आउट. ये वेजिटेरियन है, मतलब ये लोग सारे वेजिटेरियन है. यहाँ साई बाबा का मंदिर भी है, हम लोग गए थे. एंड यहाँ पे ना अगर आपको नॉनवेज खाना दे प्रोवाइड तो वो आपको ऊपर ला के देंगे एंड नीचे में ड्रिंक भी अलाउ नहीं है ना. ड्रिंक भी अलाउ नहीं है, तो उन लोगों ने हमको बस ऐसे वाइन दिया टू मतलब ऐसे शाम को बैठने के लिए. सो वी आर जस्ट हैविंग इट. सो या थैंक यू सर्विंग हिज फूड. यहाँ पे मेरा खाना मैंने टेस्ट किया यहाँ पे एक बाइट लेके एंड यहाँ का घी इज सो टेस्टी. सब्जी भी बहुत अच्छा है. मैं जनरली खाती नहीं हूँ, जनरली आई डोंट ईट ऐसे स्क्वाश एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे खा रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत फ्लेवरफुल है. अभी खा लेते हैं फिर बाकी का रिव्यू देते हैं. गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो अभी 8:30 हो रहा है एंड मैं आई हूँ आपको मॉर्निंग दिखाने यहाँ का. एंड सो पहले यहाँ का मॉर्निंग देखते हैं एंड उसके बाद बात करते हैं. आज का भी वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी सनी. और जैसा हमको बोला गया था यहाँ पे गर्मी होती है वैसा नहीं दिख रहा है हम, ठंडी होती है वैसा नहीं दिख रहा है ठंडी हमको. सो नॉर्मल है वेदर, नॉर्मल है, उतना ठंडी नहीं है. रात को भी उतना ज़्यादा ठंडी नहीं था, नॉर्मल था. मैंने यहाँ पे तो मोजा भी नहीं पहना, सिलीगुड़ी में मोजा पहनना पड़ता है. एंड ये आपने मॉर्निंग व्यू देख लिया, अब हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहावा लेते हैं, देन ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे. सो गाइज हम हो गए फ्रेश एंड या यू केम नाउ. सो हम हो गए हैं फ्रेश एंड अब हम आपको एक बार रूम दिखाते हैं. ही शूटिंग फॉर फेसबुक, फेसबुक के लिए ही शूटिंग, बट हम आपको दिखाएंगे अभी रूम्स जो कि काफ़ी सुंदर है. सो ये है हमारा फर्स्ट स्वीट रूम जो कि पहले आपको घुसते ही दिखेगा. काफ़ी अच्छा हॉल टाइप का क्रिएट किया हुआ है. यहाँ पे आप बैठ के कैन हैव टी, कॉफ़ी और नाइट में ड्रिंक एनीथिंग. एंड ये है बेडरूम,
यहाँ पे टीवी भी है एंड ये रहा यहाँ पे बेड है एंड काफी सुंदर है एंड यहाँ से बालकनी का भी है। ये तो सबसे प्यारा ये कर्टन्स का है ना। फिर इसके बाद यहाँ से हम बालकनी का व्यू देखते हैं। यहाँ से आपको माउंटेन दिखेगा एंड रात को मून दिखता है गाइज, यहाँ से डायरेक्टली मून दिखता है रात को एंड काफी सुंदर है, यहाँ से सन भी दिख रहा है। ओके सो ये रहा रूम, पहला रूम। एक ऊपर भी है, हम आपको वॉशरूम। सो दिस इज द वॉशरूम, काफी बड़ा आईना है एंड काफी बड़ा वॉशरूम भी है। सो ये नहाने का पार्ट है, ये यहाँ पे यू कैन कीप एनीथिंग, यहाँ पे यू कैन हैव द वंडरफुल टाइम सिटिंग हियर। एंड अब ऊपर का रूम आपको दिखाते हैं, तब तक ये यहाँ पे शूट कर लेता है। से हाय टू द कैमरा, डोंट बी लाइक दिस। ओके सो अब हम आपको ऊपर लेके जाते हैं, तब तक ही वी विल बी शूटिंग दिस साइड। सो ये पहले नीचे है एंड देन आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा ऊपर। या दिस वन इज हिज, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा बिकॉज ऊपर का व्यू इज सो प्रिटी। तो यहाँ से स्टेयर्स लेके ऊपर जाके आपको मैं दिखाती हूँ। स्टेयर से जाके आप ऊपर आएंगे जहाँ से मैं आपको इतने देर से गुड मॉर्निंग नाइट कर रही थी। सो ये ऊपर का आपने व्यू देख ही लिया है, अब मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी। कल दिखाते दिखाते रह गई थी, अयो ओके उल्टा खोल रही थी। सो दिस इज माई रूम, आई चूज टू कीप इट सिंपल बिकॉज नीचे वाला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब मेरे लिए। सो आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस, पे फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। हियर इज मी, यहाँ का वॉशरूम आपको दिखाती हूँ। इट इज़ ऑल्सो नाइस, द मोस्ट वंडरफुल टाइम हियर एंड दिस, यहाँ पे जहाँ पे यू कैन टेक शावर, यहाँ पे यू कैन ब्रश योर टीथ। यहाँ का वॉशरूम से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको ये खोलना पड़ेगा, वेट। सो वॉशरूम से भी काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे, कैन सी द व्यू। सो दिस वॉज टू रूम, शिट इट्स वर्किंग। ओके सो यहाँ पे दो रूम्स हैं, पहला वाला ये जो मैंने आपको दिखा, मतलब नीचे वाला जो मैंने आपको दिखा दिया एंड ऊपर वाला ये जो मेरे, मैं जहाँ रुकी थी रात को, थोड़ा डर लग रहा था बट साई ग्रेस होम स्टे तो भगवान जी का कृपा है यहाँ पे, तो उतना डर नहीं लगा। सो अब हम नीचे जाते हैं, आपको थोड़ा यहाँ का जो बैरेंडा का व्यू है वो आपको दिखाते हैं। सो गाइस नीचे आ गए कैलिंगपोंग में, बहुत ज़्यादा मुझे धूप लग रही है। कल जब मैं आ रही थी तो मुझे मेरे घर वाले बोल रहे थे बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। सो आई कैप टोपी, ग्लव्स, सॉक्स, दो दो सॉक्स, एवरीथिंग, बट यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग इतना, ग्लव्स एंड ऑल। सो या दिस इज़ द, जिस अगर आप नीचे आओगे यहाँ से तो आपको ये जगह दिखेगा। दे हैव अ वेरी प्रिटी काइंड ऑफ गार्डन काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड यहाँ से जाके आपको अंदर जाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आप वेज खा रहे हो तो, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आपको ऊपर ही मंगवाना पड़ेगा क्योंकि दे डोंट सर्व नॉन वेज नीचे में। एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि नॉन वेज खान, मतलब यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है, बट कल जब हमने बात किया तो हमें पता चला यहाँ पे नॉनवेज मिलता है एंड उसका प्राइसिंग है 350 पर प्लेट। एंड अगर आप इंडियन लेते हो तो, अगर आप चाइनीज़ में लेते हो तो वो अलाकार्ट सिस्टम में बात होती है, मतलब वो जो अमाउंट होता है वो। एंड यहाँ रूम्स का प्राइस है 2000 रुपीज़ रूम्स का प्राइस है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड सरप्राइज इसमें स्नैक्स मिलते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ड्रिंक्स एंड एनीथिंग तो वो उसका अलग प्राइस होता है। एंड आपको रूम्स में ही कॉफ़ी और दार्जिलिंग टी का पैकेट वगैरह मिलेगा, तो एनी टाइम यू कैन हैव कॉफ़ी एंड एवरीथिंग, उसका चार्ज नहीं है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। एंड बाकी का इन्फॉर्मेशन और देते हैं, आप देखते रहो। सो आई सेड यहाँ से जाके आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, वी चोज टू कम हेयर टू हैव ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। सो यहाँ ही इज़ एंटरिंग, जूता खोल के अंदर मंदिर है, बाहर भी ठीक है, बाहर निकल लेते हैं। ओके तो बाहर भी खा सकते हैं। यस गाइज यहाँ पे बहुत प्यारा सा सेटअप लगा हुआ है, यहाँ अभी हम खाएंगे ब्रेकफास्ट। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये इस वाले व्लॉग में तुम आए नहीं ज्यादा, पता है? हाँ, तुम क्योंकि तुम ही बैठ के पूरा व्लॉग बना रही हो, मेरे पास भी चश्मा है, मैं चश्मा लगा देता हूं। गाइस ये आ गया हमारा आलू का पराठा, यहाँ पे है सॉस के साथ प्याज एंड आलू के पराठे, देख के काफी मस्त। इसके मुंह में पानी, इसके मुंह में पानी, इसके मुंह में पानी। और यहाँ पे घी घर पे ही बनाया जाता है, जो
काफी अच्छा खुशबू आ रहा है, ये किसी बटर है, बटर है, खुशबू काफी अच्छा है, बट पहाड़ का खाना, पहाड़ का धूप, पहाड़ का सब कुछ काफी अच्छा होता है। ये ब्रेकफास्ट हो रही है, खा के बताओ जल्दी कैसा है। गाइस यहां का जो मेन थिंग होता है ना, बहुत लाइट होता है, इवन मसाला मसाला यूज नहीं किया जाता है, दैट्स द मेन थिंग। एंड लेट मी ट्राई विद दिस, टेस्टी, काफी टेस्टी, लाइट एंड टेस्टी। Yeah. So, अभी हम लोग निकल रहे हैं साई ग्रेस होम स्टे से, एंड इट वॉज सो फन। आपने पूरा वीडियो देख लिया, सो बहुत मजा आया यहाँ पे आके, खाना एंड एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग एंड काफी अच्छा था। सो इट्स टाइम टू बिड बाय टू दिस ब्यूटीफुल होम स्टे, एंड स्क्रीन पे नंबर है, अगर यू वॉन्ट टू बुक तो आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके यू कैन बुक योर होम स्टे में यहाँ पे स्टे, एंड आई थिंक आपको यहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस तो जरूर से जरूर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्लेस, वो मिस्ट्री है। गाइस हमें यहाँ पे एक मोड़ पे उतार दिया गया, सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, उतार नहीं दिया गया, जस्ट बिकॉज़ यहाँ ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से सामने है। ओके, सो अब हम जा रहे हैं आर्ट कैफे। सो दिस वाज द मिस्ट्री, आई एम मीटिंग माय फ्रेंड देयर, माय स्कूल फ्रेंड हु लिव्स इन कैलिंगपोंग, सो देयर आई विल मीट हर, आपको भी मिलवाते हैं उससे, शी इज अ नाइस एंड यूज्ड टू बी माय वेरी 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 गुड फ्रेंड इन स्कूल। Say hi to the camera. Hi. वो रहा आर्ट कैफे। ये आर्ट कैफे, ये मेरे को वो स्क्विड गेम जैसा क्यों लग रहा है? सी सी, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम, एंड अभी ऊपर जाके देखते हैं, बहुत सुना आर्ट कैफे के बारे में। कैफे इज एक्चुअली सो ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड, नाइस। So guys, meet my friend Dipti. Dipti say hi. Hello. Hi. Nice. So she lives in Kalimpong, and मैंने पहले बोला था, she is my old friend from school. And अब हम लोग आर्ट कैफे में हैं, हमने खा पी लिया मस्त, हम लोग बहुत बिजी हो गए थे बात करने में, तो हमने वहाँ का ग्लिम्स नहीं लिया। वी हैड पिज्ज़ा, वी हैड पास्ता, सो या फेसबुक पर मिल जाएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक द रिव्यू आप वहाँ फेसबुक पर जाके यू कैन चेक। सो या गए हम लोग आर्ट कैफे से, एंड वी आर नाउ हीडिंग टूवर्ड्स टैक्सी स्टैंड, वहाँ पे जाएंगे, गाड़ी लेंगे एंड बैक टू सिलीगुड़ी। गाइस टैक्सी स्टैंड पहुंच के हमने टिकट लिया, एंड हम टैक्सी में बैठ के सिलीगुड़ी के लिए निकल पड़े। एंडिंग हम नहीं कर पाए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे दो दिन के ट्रिप को लेके। एंड आई होप आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।